हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्स टाइल्स एंड मैं हूँ निकिता। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू दिस गरबा मेकअप लुक। अगर आपको मेरा लुक अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट किया है फेस क्लींजिंग से, तो मैंने यहाँ पे फेस क्लींजिंग के लिए वेट वाइप का यूज़ किया है। वेट वाइप्स अपने फेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्लींजिंग के लिए स्पेशली। अच्छे से आपको फेस को क्लीन कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइप्स का रोज़ हिप इसेंशियल ऑयल। ये इसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, तो मुझे ग्लोई मेकअप लुक चाहिए इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया है। आपको भी अगर ग्लोई फिनिश चाहिए हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है मॉइस्चराइजिंग। तो मैंने मॉइस्चराइजिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किया है हिमालय का मॉइस्चराइज़र। मैं अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी और अच्छे से मसाज करूँगी ताकि ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए मेरे फेस में। उसके बाद मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का डेवी फिनिश प्राइमर। तो प्राइम करना बहुत ज़रूरी है अपने। मैंने अच्छे से प्राइमर अपने फेस पर लगा लिया है। ये प्राइमर बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है अपने फेस पर। और आपको गरबा पार्टी लुक तो नाइट के लिए चाहिए होता है, इसीलिए आपको ये ग्लोई मेकअप लुक बहुत अच्छा लगेगा, आप इसी प्राइमर का यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो है फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसे मैं डैब ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। आपको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, मेक श्योर आप नेक को ब्लेंड करना। नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीलिंग का। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेकअप रिवोल्यूशन का कंसीलिंग पैलेट। उसमें से मैंने एक हाइलाइटिंग शेड लेके अपने अंडर आइज़ को कवर अप करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा कंसीलिंग पैलेट है। इसमें से आप अपने स्किन टोन के हिसाब से कलर चॉइस करके लगा सकते हो, कंसील कर सकते हो। मैंने अच्छे से ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट को भी अच्छे से कंसील कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग करूँगी। नेक्स्ट स्टेप जो आता है तो नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज़ को ग्रूम करूँगी। तो उसी लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है। ब्राउन कलर जो है वो आपके आईब्रोज के स्टार्टिंग में लगाए ताकि बहुत नेचुरल दिखे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ की है मिस क्लेयर की ब्लैक आईब्रो पेंसिल, जिसे मैं अपने आईब्रोज़ के एंडिंग में यूज़ करूँगी। स्टार्टिंग में आपको ब्राउन शेड यूज़ करना है ताकि आपके आईब्रोज़ बहुत नेचुरली ग्रूम दिखे। आपको बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है और बहुत लाइट भी नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपको अपने आईब्रोज़ को ग्रूम करना है। उसके बाद मैं स्पूली की हेल्प से ब्लेंड आउट करने के लिए इसे अच्छे से कॉम कर लूँगी। आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल आईब्रोज लग रहे हैं। उसके बाद मैंने हाइलाइटिंग के लिए यूज़ किया है NYB का कंसीलर। तो इससे मैं अपने आईब्रोज़ को हाइलाइटेड करूँगी ताकि उनका शेप बहुत अच्छे से दिखे और हाइलाइटेड दिखे। उसके बाद मैंने आई बेस के लिए भी इसी कंसीलर का यूज़ किया है। उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी डैब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आप देख सकते हो इंस्टेंटली इसने मेरे आईब्रोज़ को हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद मैं हाइलाइटिंग के लिए यही कंसीलर का यूज़ करूँगी और अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लगाऊँगी, देन आपके अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे। अंडर आइज़ को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट। उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड लेकर अपने नोज़ को कॉन्टोर किया है। नोज़ को कॉन्टोर करने से आपका जो नोज़ होता है वो बहुत स्ट्रेट लगता है और फ्लैट लगता है। अगर आपको फैटी नोज़ का प्रॉब्लम हो तो आप नोज़ को कॉन्टोर करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मैं अपने चीक्स को कॉन्टोर करूँगी, उसके बाद जॉ लाइन पे और फॉरहेड पे। कॉन्टोरिंग बहुत बेस्ट पार्ट होता है अपने मेकअप का। इससे आपको आपका फेस बहुत डिफाइन लगता है और बहुत अच्छा शेप मिलता है अपने फेस को। कॉन्टोरिंग में ब्लेंडिंग पार्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कोई हार्श एजेस ना दिखे आपके फेस पे। बिल्कुल नेचुरल लुक करना है आपको, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ADS का बनाना पाउडर। तो बनाना पाउडर मैं यहाँ पे अपने अंडर आइज़ को हाईलाइट करने के लिए लगाऊंगी। उसके बाद मैं अपने फेस को लगाऊंगी। बिल्कुल आप जहाँ पे कॉन्टोर करोगे, कॉन्टोर किया है चीक्स। उसके बाद मैंने यहाँ ब्रॉन्जिंग के लिए लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जिंग पैलेट। उसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड को लेकर अपने फेस को कॉन्टोर किया है, इसे पाउडर कॉन्टोर। उसके बाद एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आपको अच्छे से कॉन्टोर कर लेना है। तब तक आपका जो पाउडर है लूज पाउडर वो बेक हो जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आई मेकअप का। तो मैंने यहाँ पे फेसेस का काजल लेके अपने क्रीज को बिल्कुल कॉर्नर्स में, आउटर कॉर्नर्स में फिल किया है। उसे मैं अपने फिंगर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको यहाँ पे गरबा मेकअप लुक क्रिएट करना है तो उसी में ब्लैक कलर का यूज़ बहुत होता है, अपने क्लोथ्स में भी और मेकअप में भी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा अपने आईज़ को स्मोक आउट करने के लिए ब्लैक कलर का काजल यूज़ किया है और उसे अपने फिंगर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग से आपकी जो हार्श एजेस होते हैं वो नहीं दिखते और बिल्कुल नेचुरल ब्लेंडिंग लगता है, नेचुरल आई मेकअप लुक लगता है। तो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने यहाँ पे, दोनों को इक्वल ही करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्यूमिडाई का आई शेडो पैलेट लेके उसमें से जो डार्क ब्लू कलर है, पर्पल शेड, उसे पिक करके अपने आईलिड पे प्लेस करूँगी फिंगर की हेल्प से। आप चाहो तो ब्रश यूज़ कर सकते हो लेकिन मुझे फिंगर से बहुत अच्छा लगता है तो मैं फिंगर यूज़ करूँगी। फिंगर से जो है वो इजीली हो जाता है और उसके बाद आप फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो। दोनों कलर को अच्छे से मिक्स कर दें, दोनों कलर अलग नहीं दिखने चाहिए, अच्छे से आपको ब्लेंड करना है उसे। सेम प्रोसेस मैं दूसरे आई पे भी करूँगी, दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड करके। उसके बाद मैंने ये फ्लैट ब्रश लेके उसे अच्छे से शेप दे दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने सेकेंड आई पे भी वही प्रोसेस किया है। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होता है आपके आई मेकअप में, आप जितना ब्लेंड करोगे उतना आपका मेकअप बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करके दोनों आईज़ को सेम कर लिया है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है आईलाइनर का। तो आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का आईलाइनर। ये आईलाइनर जो है वो ग्लॉसी फिनिश देता है और नाइट टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है। वाटरप्रूफ आईलाइनर है, आप जब लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना चाहते हो तो इसी लाइनर का यूज़ करें। मैंने यहाँ पे मस्कारा का जो स्टेप है वो मैंने स्किप कर दिया है ड्यू टू सम रीजंस, और मैंने यहाँ पे काजल भी अप्लाई नहीं किया है ताकि नाइट मेकअप लुक है और आपको गरबा खेलना है तो ये मेल्ट आउट हो सकता है इसीलिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेकअप रिवोल्यूशन का हाइलाइटर। तो ये हाइलाइटर बहुत नेचुरल लुक देता है, बहुत शिमरी नहीं है, आप इसे डे टाइम में भी लगा सकते हैं। मैंने ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बोज पे और अपने चीन पे लगा लिया है। अब मैं अपने ब्राउ बोन पे लगाऊंगी, देन मैं फॉरहेड को लगाऊंगी ताकि सब बिल्कुल हाईलाइटर लगे। आपको नाइट टाइम के लिए लुक चाहिए तो हाईलाइटर इज मस्ट। देन मैं अपने चीक्स पे लगाऊंगी, मुझे ब्लश लगाना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैंने अपने लिप्स के लिए लिया है मी नाउ का लिप लाइनर। तो इस लिप लाइनर से मैं अच्छे से अपने लिप्स का शेप जो है वो ड्रॉ कर लूँगी। इससे क्या होगा कि आप जो भी लिक्विड लिपस्टिक लगाओगे वो बिल्कुल शेप में दिखेगा। मैंने यहाँ पे लिपस्टिक के लिए यूज़ किया है एन वाई बे का लिपस्टिक जो पिंक शेड में है, इसे अच्छे से लगा लूँगी। मुझे बहुत डार्क नहीं पसंद इसीलिए मैंने अपने ड्रेस को मैच करते हुए कलर लिया है। मैं यहाँ पे ब्लश लगाऊंगी लेकिन वो पाउडर फॉर्म में नहीं, मैं यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ करके ब्लश लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू हेवन का पिंक कलर का लिपस्टिक जो मैं अच्छे से अपने चीक्स पे लगा लूँगी। बहुत लाइटली लगाना है आपको और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर से। तो देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है। उसके बाद मैं वहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है मेकअप सेट करने का। तो मैंने यहाँ पे मेकअप सेट करने उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है ज्वेलरी का। तो ज्वेलरी के लिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी यूज़ की है और गरबा के लिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे सिल्वर ऑक्सीडाइज इयर रिंग्स पहने हैं। उसके बाद मैंने बिंदी लगाई है वो भी अपने ड्रेस को मैच करते हुए ब्लू कलर में। लुक को कंप्लीट करने के लिए ज्वेलरी बहुत मेन पार्ट होता है। उसके बाद मैं गरबा के लिए मेकअप लुक कर रही हूँ इसीलिए मैं ये ब्लैक डॉट्स लगाऊंगी अपने चिन पे, आईज के कॉर्नर में। इससे मेरा लुक
सो नाउ आई एम डन विथ माई मेकअप. सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक. अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगता हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. मैंने यहाँ पे मेकअप के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिए. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.